आप सोचते हैं कि खुदावन ने मुझे मालिक मकान बनाया, आज आप सोचते हैं कि आपका अपना कारोबार है, आपके वहां पर वर्कर्स हैं, तो आज ये कलाम उन्हीं बादशाह लोगों के लिए है जिनको खुदावन ने कोई ना कोई ऐसा मकान दिया है जिससे उनको आसरा आमदनी होती है या उनके हालात बदलते हैं। इनको तो सीधा क्योंकि मेरे अजीजों बादशाह वही होता है जिसके पल्ले कुछ होता है, जिसके पॉकेट में कुछ होता है वो बादशाह होता है, जो किसी की मदद करने की कुवत रखता है वो बादशाह होता है, जो किसी को किसी जगह पर रखने की कुवत रखता है, जिसके अंदर इख्तियारात होते हैं वो बादशाह होता है, इख्तियारात वाला इंसान बादशाह होता है। जो शख्स अपने घर में रहता है, छोड़ दे बाद में, जो शख्स अपने घर में रहता है वो अपने घर का इख्तियार रखता है। कभी ऐसा हुआ है कि हम किसी के घर गए हो तो वहां जाके हम अपना इख्तियार जमा रहे हो, हमारे शायद हम कहीं जाते हो तो किसी बच्चे पर तो इख्तियार जमा लेते हैं, अरे राम से बैठ तू क्या कर रहा है तुझे सुकून नहीं है, एक इख्तियार रखते हैं कि बच्चा है, लेकिन हम उसके घर के खाने पीने का इख्तियार नहीं कर सकते क्योंकि वो उस घर का बादशाह नहीं है, वो मेहमान है। आज हम सबके लिए ये खुदा का कलाम बड़ा जरूरी है क्योंकि शफकत तमाम कौमों के लिए, क्योंकि जब आप सहबी हैसियत हो जाते हैं, जब आपके हाथ में किसी चीज का इख्तियार होता है तो आप बादशाह हैं। लेकिन बादशाह के पास कौन सी चीज सबसे ज्यादा खास है, वो खुदावन ने कहा कि शफकत और सच्चाई बादशाह की निगेबान है। कभी आपने ये तो हजारों दफा सुना होगा कि हाँ मैं वहां काम पर जाता हूं, जब मैं जाता हूं तो यार वो जो बंदा है ना वो बड़ा गंदा मालिक है। हम अपने जब हम कहीं काम पर जाते हैं जो बंदा पैसे टाइम पे ना दे, वर्कर्स वापस आके ये जरूर कहते हैं यार बहुत ही गंदा मालिक मिला मेरा, यार मैं जितना मर्जी कर रहा हूं बंदा किसी का सका नहीं, ये अल्फाज सुनने को मिलते हैं, क्लियरली हमें सुनने को मिलते हैं। लेकिन मेरे अजीजों आज आपसे एक बात और क्लियर करता जाऊं, अगर आप ये बातें सुनते हैं तो आप ये भी तो सुनते हैं कि वो मालिक कितना अच्छा है, यार अभी मेरा काम खत्म नहीं होता तो मुझे पैसे दे देते हैं, वो मेरे हालात में मेरे साथ रहते हैं। बेटा आप उसको कुछ नहीं कहो, आप इधर बैठो। जब हमें ये अच्छे और बुरे दोनों चीजें इस दुनिया में मिलती हैं, लेकिन खुदावन कहते हैं कि जिसके पास इख्तियारात है उसके पास शक्कत और सच्चाई दोनों होनी चाहिए। आज ये मालिक मकान के लिए भी यही है, और अगर किराएदार के नीचे कोई वर्कर काम करता है, ये बात नहीं है कि जो किराए के घर पे रहता है वो बिजनेसमैन नहीं होता, ये झूठा बहुत बड़ा। आज करोड़पति बंदा कोठी किराए की ले लेता है, वो कहता है जो मैंने 50 लाख करोड़ की या करोड़ की कोठी खरीदनी है उस वही 1 करोड़ रुपए की मैं जनाब अपनी फैक्ट्री में काम कर लूंगा, मैं उसका बिजनेस शुरू कर लूंगा। ये बाहर बड़े लोगों की ये सेंसेस होती है, हमारी सेंसेस होती है कि मेरे पास 10-15 लाख आया सबसे पहले अपना घर लूं। लेकिन मेरे जीजो जिनकी अपनी फैक्ट्रीज है वो रेंट की घरों में रहते हैं, वो कहते हैं जो हमने कोठी पर 10 लाख 20 लाख 50 लाख खर्चना है बेहतर है कि हम अपना कारोबार करें। लेकिन उनके लिए भी ये बात लाजम है कि उनकी जिंदगी में सबसे बड़ी कामयाबी का राज होगा उनकी शफकत और सच्चाई। मैंने एक इत्तेफाक था कि मैंने भी किसी फैक्ट्री में काम किया, वहां पर वो जो मालिक था वो मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस दोनों की ईद मनाया करते थे, वो आखिरी रोजा मुस्लिम्स के खुलवाते थे, क्रिसमस पे बराबर ईद बांधी जाती थी, ईस्टर पर भी ईद दी जाती थी, जैसा कि वो अपने मुस्लिम बहन भाइयों के साथ करता था। क्यों? क्योंकि मैं ये सोचता हूं कि हम ये सोचते हैं कि शायद हमारे लिए ये कलाम है, बाइबल मुकद्दस सिर्फ क्रिश्चियनों के लिए नहीं है, ये बात मैं कई दफा कर चुका हूं। खुदा ये सुनसी कोई मजहब बनाने नहीं आए थे, वो तमाम कौम के लिए आए थे। उस वक्त में बुतप्रस्त भी थे, उस वक्त में बाल जबूत को भी मानने वाले थे, उस वक्त में जो क्या कहा जाए फिरौन खुद को खुदा कहते थे कि हमारे पास कुवत है हम ही खुदा है, उनके पास बहुत से जादूगर थे जो बड़े बड़े देवी देवताओं को मानते थे। लेकिन खुदा यीशु मसीह ने आप ये नहीं कहा
कि मैं जो मजहब लेके आया हूँ, मैं जो अकीदा लेके आया तुम उनको मानो, लेकिन खुदा ने यह कहा था कि मैं जो शरीयत लेके आया हूँ। अकीदे और शरीयत दोनों में फर्क है। शरीयत वो होती है जो आपको जन्म से सिखाई जाती है, अकीदा वो होता है जो हम नया बनाते हैं। आज हम लोग खुदावंद की बातों पर अमल नहीं करते। वो कहते हैं सादे हैसियत इंसान जो है उसको शफकत और सच्चाई से पेश आना चाहिए। एक बंदा काम कर रहा हो, मिसाल देते हैं, मैं मेरे अंडर कोई लड़के काम कर रहे हो, बेटा आप सीढ़ियों के बैठो, मैं दोबारा नहीं कहता हूं आपको, अगर मैं साहब हैसियत हूं, हमारे पास बेटा साहिल आता है, ये रोजाना मेरे पास ये बच्चे यहाँ पे होते हैं और रात एक एक बजे तक यहाँ पर गीत भी गाते हैं, कभी कभी गजलें भी गा रहे होते हैं। ये बात नहीं कि ये गीत गाते हैं तो गजलें नहीं गा सकते। जब इंसान ने म्यूजिक की ट्रेनिंग ली तो बड़ा कुछ सीखता है। ये बच्चे यहाँ पर होते हैं, कई बार मैं इनको डांटता भी हूँ और कई बार ये मेरे पास होता है तो मैं इसको बोर्ड में बिठा के घूम रहा होता हूँ या ये मेरे पास सोया होता है, हमारे पास इतना इसको प्यार करते हैं। लेकिन दोनों चीजों में एक चीज का फर्क देखें, इसमें सच्चाई और शफकत दोनों है। हमारी मोहब्बत भी इससे सच्ची है, हमारी शफकत भी इससे सच्ची है। हम उस वक्त पर हम उम्र के लिहाज से साहिब हैसियत है। अगर हम अपनी उम्र का और मैं ये सोचूं कि मैं खुदा का खादिम हूं, मैं इसको कहीं भी डांट सकता हूं, तो वो गलत है। तो वो गलत है क्योंकि खुदावंद कहते हैं शफकत ही, बल्कि शफकत ही उसका तख्त कायम रहता है, शफकत से ही उसका तख्त कायम रहता है। हमारे घर में ब्रदर फाकत लोग हैं, हमारा कई बार रेंट लेट हो जाता था जब कभी, तो मैंने महीने में दो बार भी अपनी बहन को किराया दिया हुआ है। शुरू शुरू में ऐसे ही हालात थे, बहुत कभी टाइट हो जाने, कभी अच्छे हो जाने, कभी पूरा दे देना, कभी दो टाइम पे। लेकिन खुदावंद ने अगर आज इनके घर में हर चीज ब्लेसिंग की तरह दी है तो उसकी वजह थी कि इन्होंने कभी भी अपने माथे पर सिलवट नहीं आने दी, जिन्होंने पंजाबी च कहना मथे तो वट नहीं आए, इन्होंने किराया लड़ाइया नहीं की, मेरे साथ तो नहीं की, मैं दूसरों का नहीं चाहता। भाई शौकत की फैमिली है, जिस घराने में रहता हूं बड़े भाइयों की तरह मुझे प्यार करते हैं। कई बार मैं भी उनके साथ भी कहता हूं, मैं ऊपर खड़ा होकर उन्हें कह रहा हूं भाई शौकत आप चर्च नहीं आते, तो उन्होंने कभी गिला नहीं किया। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि आपके अंदर शफकत कायम रहनी चाहिए। रुपया पैसा आएगा और चला जाएगा, आप में सच्चाई और शफकत कायम रहनी चाहिए। आज के दौर में एक बड़ी खूबसूरत मिसाल है, किसी को जी करोगे तो जी मिलेगी। फ्रंट के घर में रहने वाला बंदा भी अपनी ईगो और रिस्पेक्ट रखता है, जिसने किराए पे घर दिया वो भी अपनी ईगो और रिस्पेक्ट दोनों रखता है, उसमें अकड़ और इज्जत दोनों चीजें हैं, दोनों में ही है, जो किराया दे रहा है उसमें भी है और जो किराया ले रहा है उसमें भी है। लेकिन यहां पर बात है वक्त के बादशाह की, क्योंकि वो कहता है शफकत और सच्चाई बादशाह की निगहबान है। आज अगर इसी बात को हम खुदावंद की तरफ ले जाएं, तो हमारे खुदावंद की शफकत और सच्चाई हमारी निगहबान है। वो हमें क्या सिखाता? कहता किसी से कभी भी आप ज्यादती ना करो। बाइबल मुकद्दस में लिखा है मस्कीन गरीब की मदद कर, शफकत। वो कहता है कि हर फैसला सच्चाई से कर, तुम्हारे तोलने वाले तराजू बराबर हो। आज हम जब इन बातों पर अमल करते हैं तो हम बरकत पाते हैं, लेकिन जब हम इन बातों पर अमल नहीं करते तो हम बरकत नहीं पाते। शफकत कौन करता है? बाप करता है। और हमारा बाप जमीनी बाप होने के बाद आसमानी बाप है, जो हमारे बाप का भी बाप और उसके बाप का भी बाप है। जहां से हमारी नस्ल चली वहां से है, वो अजल से है, वो है और रहेगा, वो अजली है और अबदी है। हम फानी हैं और हमने मिट जाना है, लेकिन वो नहीं मिटेगा। एक नाम यीशु नाम है जो कभी मिटेगा नहीं। हमें उसकी शफकत के मुताबिक जिंदगी को गुजारना है। खुदा यीशु मसीह ने जब आखिरी फसा खाना था तो उन्होंने अपने 12 शागिर्दों में बात बोली, उन्होंने कहा मैं तुम्हें आज एक नया हुक्म देता हूं कि जिस तरह मैंने तुमसे मोहब्बत की तुम भी एक दूसरे से वैसे ही मोहब्बत करना।
उसने शफकत का एक नया तरीका बताया। शफकत जानते हैं क्या होता है? किसी के साथ मोहब्बत से पेश आना। जैसे आपके अम्मी अब्बू हैं बच्चों, वो आपके साथ शफकत से पेश आते हैं। आपको कभी ऐसा हुआ है कि बच्चों को एक दो दफा उन्होंने प्यार से बाजू में सोटियां ना मार मार उठाया है, नहीं ना था वो? चाहे जितना मर्जी आपने स्कूल भी जाना हो, वो फिर भी हिला के उठाते हैं। उठ जा, टाइम हो रहा है, डांट के थोड़ा सा, लेकिन कभी मार के नहीं उठाते। आपको रोटी खिलाने के लिए माँ बाप डांटते हैं कि नहीं खाना खाओ, उस डांट में आपके लिए शफकत होती है कि आपकी सेहत अच्छी है। आज जब मालिक हमें, जहां पर हम ड्यूटीज करते हैं, मालिक हमें हमारे कामों को देख लेता है, किसने एक दिन में कितना काम किया, और फिर कहता है बेटा कल पैसे लें। लेकिन अगर हम वही मेहनत से काम करें तो मालिक हमारी मजदूरी, हमारे पसीना सूखने से पहले अपनी पॉकेट में रख के बैठा होता है। आज इसी तरह खुदावंत के साथ जुड़े रहे। आपकी शफकत, आपकी सच्चाई खुदावंत की बराबर तक की तो नहीं हो सकती, लेकिन आप कुछ तो करें। आपकी शफकत खुदावंत के साथ होनी चाहिए, जैसे खुदावंत आपके साथ शफकत से पेश आता। आए हमारे बाप पढ़ते हैं, पढ़ते हैं ना, उसमें कहता है जिस तरह तूने मेरे गुनाहों को माफ किया मैं भी किसी के, जिस तरह मेरे कर्ज तूने माफ किया मैं भी किसी के कर्ज माफ करूं। आज हम खुदावंत की बराबरी तो नहीं कर सकते, हम बहुत गुनहगार लोग हैं, हमें हर रोज एक नई गलती होती है। मैं यहां खड़ा भी कई बारी गलती कर सकता हूं, शायद मेरे बोलने में कोई लफ्ज गलत हो जाए, और वही बात में लोग व्हाट्सएप और टिकटॉक बना लेते हैं कि पादरी साहब ने फिर लफ्ज गलत बोला है, इसका टिकटॉक बना लो ताकि पास्टर साहब लोगों में ये मशहूर हो कि अनवर फजल साहब ने लफ्ज गलत बोला, पता लगे एडी बड़ी मिनिस्ट्री चला रहे हैं, पता ही नहीं। हम उस खादम को जिसको खुदा ने चुना, हम उसको चेक कर रहे हैं, कैसी बात है, वो उसका और खुदा का मामला है। हम वो अपनी शफकत के साथ आपको कलाम शेयर कर रहे हैं, हम अपनी शफकत के साथ उसमें से कीड़े निकाल रहे हैं। हमें खुदावंत के साथ चलना है, जिस तरह खुदावंत आज दुनिया में बहुत से लोग हैं, पूरी दुनिया में, आप शायद इस बात को जानते हैं कि नहीं जानते, आज आपको क्लियर कर दूं, दुनिया में सबसे ज्यादा ट्रांसलेशन, जिस किताब का तर्जमा हुआ है वो आपकी बाइबल मुकद्दस है। दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब बाइबल मुकद्दस है। दुनिया में सबसे ज्यादा जलाई जाने वाली किताब बाइबल मुकद्दस है। दुनिया में सबसे ज्यादा इख्तलाफात जिसके ऊपर उंगली उठाई जाए वो बाइबल मुकद्दस है। और कैसी जी बात है कि बाइबल मुकद्दस खुदावन यीशु मसीह पर खत्म होती है। पुराना अहदनामा शुरू होगा खुदा के नाम से, नया अहदनामा शुरू होगा यीशु के नाम से, और मुकाशवा खत्म होगा आमीन से। हम लोग इस किताब के हजूर ऐसे खड़े होते हैं, ऐसे खड़े होते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम सब खड़े होते हैं, हम इसको ओबे नहीं करते, हम इस पर अमल नहीं करते, जबकि ये बाइबल हमें शफकत कर मोहब्बत सिखाती है। खुदावंद यीशु मसीह की सबसे बड़ी मोहब्बत तो ये है कि उसने हम जैसे गुनाहगारों के लिए अपनी जान का कुफारा दी। हम नहीं दे सकते, हम तस्वीर पैदा होंगे आज नहीं करते। आज अगर मैं यहां पर किसी को 100 रुपया दे दूं तो मैं ये सोचता हूं इन्हें करोड़ देना है, नहीं देगा तो मैं अपनी वास दे दूंगा। लेकिन वो कहता है जब मैंने तुझे कर्ज माफ किया तो तूने क्यों नहीं किया। शफकत उसे कहते हैं, जब मैंने तेरे लिए कुर्बानी दिया, तेरे गुनाहों का कुफारा दिया, तो तुझे अगर आज किसी ने तेरे से ज्यादती की तो तू खड़ा क्यों नहीं छोड़ दिया। हम बहुत सी प्रॉब्लम्स में गोले मिले हुए हैं, हमारी प्रॉब्लम्स इतनी है कि हमें खुद ही समय लगती। आप जानते हैं कि जो बादशाह है खुदा के नजदीक वो भी इतनी ही कदर रखता है जितनी अमीर रखता है। बाइबल मुकद्दस में मिसाल 22 और उसकी दूसरी आयत में क्या, अमीर व गरीब एक दूसरे से मिलते हैं, इन सब का इखलाक खुदा वंद ही है, इन सब का इखलाक खुदा वंद ही है, सॉरी इन सब का जो इखलाक का अगर वर्ड थोड़ा सा हम सोचें तो जो आज हम एक दूसरे से मोहब्बत से पेश आते हैं ये खुदावंत की तरफ से है।
लेकिन जो आज हमने एक दूसरे के खिलाफ एक तानेशाही है, एक अकड़ है, एक प्रॉब्लम है कि तू की कीता, तू की कीता, ये चीजें शैतान की तरफ से है। आज हम सब ने ये चीज सोचने का वक्त है कि हमें किसकी तरफ मुड़ना है, शैतान की तरफ या खुदा की तरफ। हमारी जिंदगी में किसका अमल दखल होना चाहिए, खुदा का या शैतान का? खुदा का। क्योंकि जब खुदा का अमल दखल होगा तो आप हमेशा उसकी शफकत के साया के नीचे रहेंगे। तो जो बच्चा बाप का लाडला हो ना, वो मुंह गल निकले तो प्यो ला देगा चीज। जो बच्चा बाप का लाडला हो, बाप उसके यूनिफॉर्म का टूटा जूता उसके टूटने उसके बोलने से पहले नया ले आता है। जब वो सो रहा था तो सुबह अपनी जूती ढूंढ रहा था तो उसकी नई जूती पड़ी होती है, कहते वाह डैडी थैंक यू। जिस बच्चे को बाप ज्यादा प्यार करता है, क्रिसमस ईस्टर पे सबसे पहले शॉपिंग भी उसी की हो रही होती है। तो वही कल कुछ नहीं होता, तेरी भी करांगे पहले मगरो लात है, पहले नहीं लाया होता। उन्हें पता होता है कि ए ना साडा ती पुत्र है ना, ए मैनू ज्यादा प्यार करता है, ए मेरी ज्यादा इज्जत करता है। करते सभी है, बच्चे माँ बाप के लिए सभी बराबर होते हैं, लेकिन माँ बाप ये चीज देखता है कि कौन है जो शफकत के साथ पेश आता है, कौन है जो खुदावंद के कलाम पर अमल करता है। आज हमारी जिंदगी में ना बहुत से काम है, हमारी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स है कि हम उसको कवर ही करते रहते हैं, हम संभालते ही रहते हैं। पूछ के भी हो लोग से क्या आपके घर में क्या प्रॉब्लम है, आप अपने अपने प्रॉब्लम्स रोएंगे। कोई तो होगा घर के हालात खराब है, कोई कहेगा मेरे को खानी नहीं है, कोई कहेगा मेरे से किराया चढ़ है, कोई कहेगा मेरे को कारोबार नहीं है, कोई कहेगा कारोबार से खोल लिया उसके जो पैसे नहीं है, कोई कहेगा मेरे को सारा कुछ होने बावजूद मेरे घर से सुकून ही नहीं। कलाम मुकद्दस में बड़ी खूबसूरत आयत है कि खुश्क नवाला बेहतर है कि घर में झगड़ा लड़ाई झगड़ा हो। हम आज अपनी जिंदगी में बहुत चीजों को खा सकते हैं, स्पेशली दौलत को, दौलत को नहीं खुदावंत को खास रखना चाहिए। जब आप खुदावंत को खास रखते हैं दौलत आप आ जाएगी। जब आप खुदा के हुक्मों को खास रखते हैं और बच्चे और बड़े सबके साथ शक्कत से पेश आते हैं तो ये चीजें आपको वैसे ही मिल जाएंगी, क्योंकि खुदावंत ने वादा किया और उसका वादा कभी झूठा नहीं होता। आज हम सब यहाँ पर बहुत से रातें बहुत से बातें करते हैं, खुदा मैं जरूर मेरा काम हो जाए तो मैं सब तो पहले तेरे लिए इंज कराऊंगा। और जब हमारा काम हो जाता है सबसे पहले हम वही छोड़ते हैं जो खुदा से वादा किया था। और पूछने वाले तो कहेंगे वो खुदा ने वसी देना वो तो साथ में दूंगा। ये क्या बात हुई, आप अपने बाप से वादा करते हो कि जब मैं मैट्रिक के पेपर में अच्छे नंबर लूंगा तो तू मुझे गाड़ी देगा, तो मैं पूरी मेहनत करता हूं और मैट्रिक में अच्छे नंबर लेता हूं। बाप कहता है ला बाइक की चाबी, तू वादा देता इस कॉलेज में तो बाइक पे जाएगा, तू मेरी गल मनी मत तेरी मनी। लेकिन जब हमारे खुदा से वादा करते हैं तो हम कहते हैं असी खुदा लो ना, खुदा लोग तो पहले ही बहुत है, खुदावन के पास बहुत है। लेकिन वो भी चाहता है कि आप भी उसे कुछ दे, उसको आपके पैसों की जरूरत नहीं है, वो आपसे वक्त मुकर्रर मांगता है। मैं रोजा मेरा भी दिल करता है कभी कभी 9 बजे जब ये 5-10 मिनट बचे मतलब के आने में इनको आ जाए ना, मतलब 9 बजने में 10 मिनट बाकी हो तो ये उस वक्त आते हैं। कभी कभी मेरा भी दिल करता है कि चल यार आज लाइट पर रहन देने हैं, लेकिन फिर सोचता हूं नहीं खुदा ये ना हो कि मुझ पर शैतान गालब आ जाए और मैं उस वक्त की दुआ छोड़ दूं। अभी परसों की बात है, हमने लाइव प्रेयर नहीं करनी थी, कुछ ऐसे मामले आते, लेकिन बैठे बैठे नहीं दुआ करनी अभी करेंगे। हम क्यों खुदा का वक्त छोड़े, हमारी जिंदगियों में तो ऊंच नीच चलती रहती है। हमारा हमारा क्या, आज मेरा कोई मर जाएगा कल किसी का मर जाएगा, कहीं खुदा छाड़ दिए, खुदा नहीं मरने वाला। मेरा भी दिल करता है हम भी किसी शादी पे जाएं। लास्ट ये जो गुजर के गया अथवार, तब हम हमें गुजरन वाला से एक जगह पर हमें इनविटेशन थी, हमने वहां जाना था लेकिन हम वहां नहीं गए। क्यों? क्योंकि मुझे यहां पर वक्त मुकर्रर करना था जो खुदा उनसे तय किया था। मैं शादी वह छाड़ सकना हूं, फोतगी भी छाड़ सकना हूं, और ये बात मजाक नहीं है। मैं किसी भी
किसी ने भी शादी ब्याह छोड़ सकना हो इबादत किसी ने घर अगर जनाजा भी हो रहा है ना तो मैं जिस वक्त खुदा नु वक्त देता ना मैं जनाजा छोड़ के आ जाऊंगा क्योंकि मैं तो जनाजा नहीं पढ़ रहा ना जब मैं पढ़ रहा हूं तो फिर मजबूरी है अगर मैं नहीं पढ़ रहा तो मेरा फर्ज बनता है कि सब तो पहले मैं खड़ा होकर खुदावंद के कलाम की जड़ी मुनादी करा जो मेरी ड्यूटी खुदावंद ने मुझे एक नौकरी दी थी और मेरी मुनादी करने का मकसद यह है कि आप तक खुदावंद के कलाम की बातें जाए आप जिस तरह मैं आज कोशिश करता हूं कि मैंने अमल करना है मैंने खुदावंद के कलाम पर चलना है मुझे भी शफकत के साथ पेश आना कई बारी हमारा बच्चा जवान है मैं इसको डांटता रहता हूं और तू आता क्यों नहीं तू आता क्यों नहीं शायद इसके माँ बाप को बुरा लगता होगा अभी मेरे साथ मुंडे को मगर पे है लेकिन थोड़ा सा पॉजिटिवली सोचे नेगेटिव सोचेंगे तो यही बात होगी हर टाइम भाई ना पता नहीं की प्रॉब्लम है मेरे मुंडे को मगर भाई फाकर भी कह सकते हैं बाजी भी कह सकते हैं लेकिन उन थोड़ा सा पॉजिटिव सोचो थोड़ा सा पॉजिटिव सोचें कि ये किसके लिए कहते हैं ताकि हमारा बच्चा खुदा के कलाम को सीखे ताकि हमारा बच्चा खुदा के कलाम से जो है जुड़ा रहे हम लोग भी हमें भी हमारा भी दिल होता है अगर ये बेटा साहिल है ना ये रोजाना 9 बजे यहां होता है पूरे और ये यहां पर दुआ भी करता है प्रस्तिश भी करता है सब कुछ करता है लेकिन अजीब बात ये है कि जो इसी की उम्र के बच्चे हैं जो हमारे घर के हैं इसी को देख के सड़ जाओ मैं कहता हूं तू जालस करो जालस करके आने के लोट मार दो नहीं बल्कि आज तो अच्छा गाओ और ज्यादा अच्छा खुदा की प्रस्तिश करो और ज्यादा नारी मुनादी करो क्योंकि तुसी ऐसे बच्चे को सुन दो मैं अक्सर देखता हूं हमारी बहन भाई शौकत की मिसेज जब ये गा रहा होता है ना तो बाजी इसको बड़े खुशी से देखते हैं कि बच्चा गा रहा है और छोटी सी उम्र में गा रहा है बाजी भी सीधा सभी देखते हैं जबकि हम जहां भी गए हैं इसको बड़ी शफकत मिली है हर जगह से जहां पर इसको कई बार तो इनाम भी बड़े मिलते हैं लेकिन तब तक है जब तक ये खुदावंद के साथ जुड़ा है जब तक ये खुदावंद के नाम की मुनादी के लिए निकलेगा लेकिन जिस दिन इसके अंदर खुदावंद की प्यार मोहब्बत शफकत ये उससे दूर होना शुरू हो जाएगा ये खुद खुदावंद की मोहब्बत और सच्चाई को छोड़ेगा खुदावंद की शफकत और सच्चाई को छोड़ेगा ये खुद ये सोचेगा कि मैं बहुत बड़ी तोप हूं शायद अगले दिन ये गा ही ना सके हमारी लाइफ में शफकत और सच्चाई की बड़ी अहमियत है मैं भी इसको कह सकता हूं और चुप करो तू नहीं सही गाना कई बार मैं इसको टोकता भी और कई बार जब मैं इसको टोकता हूं फिर इसको बोलता हूं नहीं इसको ऐसे गा मुझे गाना नहीं आता लेकिन सुनना अच्छा आता है आज हम लोग ये सोचते हैं कि हमारी लाइफ में जो हमें डांट रहा है टोक रहा है उसकी शफकत नहीं है खुदावंद भी आपको डांटते और टोकते हैं अब आप सोचते होंगे खुदा ने कभी टोके ही नहीं खुदा ने कभी डांटे ही नहीं अच्छा बना हालात अच्छे हो दो नंबर के काम च अचानक चुके जाओ पुलिस चौक लाइए ऐसा की मतलब है ऐसा मतलब है कि खुदावंद ने तुम्हें नसीहत दी है थोड़ा जहा डांट गया असी बहुत से आराम फरोश हुए हैं जो जो शराब बेचते हैं चर्स बेचते हैं वो जब पकड़े जाते हैं ना तो कभी भी पूछ के वो लोग कहेंगे पता नहीं यार की हरी सी खुदा ने पता नहीं की मंजूर सी लै खुदा ने तेन कहा तू शराब बेच खुदा ने तो नहीं कहा कि तुम गुनाह करो क्योंकि गुनाह की दलदल में सिर्फ हम जा सकते निकल नहीं सकते और जो वक्त वक्त पर खुदा उनका हाथ थाम कर बाहर निकल आएगा वो हमेशा की जिंदगी पाएगा और जब हमेशा की जिंदगी खुदावन से पाएगा तो वो कैसे पाएगा जब वो बादशाह बन जाएगा वो बादशाह भी कैसे बनेगा उसमें शफकत और सच्चाई होनी चाहिए आज मैंने दो मिसालें दी हैं दुनियावी भी और बिब्लिकल भी बिब्लिकल इस तरह कि खुदावन की शफकत और सच्चाई और मोहब्बत आपके साथ हमेशा रहती है आप गुनाह करते हो आपके साथ आपके मैंने अक्सर कई जगह देखा है कई बार क्या होता है कि किसी का एक्सीडेंट होता है एक जो दो बंदों का एक्सीडेंट होता है एक को सिर्फ खरोच क्या कहते हैं वो रगड़ा खरोचे आती है ठीक है लेकिन जो दूसरा होता ना उसकी हड्डी भी टूट जाती है उसकी कई बार बड़ी बुरी हालत हो जाती है तो दूसरे से चिड़ी टाल नहीं है
रगड़ेंगे ना गाने, उसको सिर्फ रगड़ लगती है जिसम पर कभी कहीं कहीं, दूसरे की हड्डी टूट जाती है। ये हकीकत है, जब हम खुदावन के बारे में या हम खुदा से बहुत ज्यादा जुड़ते हैं तो दो चीजें पक्की हैं, एक जो खुदा को हटाएंगे उदो ज्यादती होगी, एक जो खुदावन ना बहुत ज्यादा जुड़ जाएंगे उदो शैतान तुम तोड़न लिए तुम हमेशा नुकसान पहुंचाएगा। ताकि तुम कहो खुदावन मैं तेरी तारीफ करन दिया तू मेरी हड्डी तोड़ दी थी, लेकिन हमें अय्यूब की तरह मजबूत रहना है, हमें खुदावन से जुड़ना है। हालेलुया, अपने अंदर शफकत और सच्चाई बरकरार रखें ताकि खुदावंद आप सबके साथ हो। हम सब अपने सरों को झुकाएं।